बिल्कुल मैग्नेट गिफ्ट ऑफ करेंट्स पर कर रहे थे, उसमें हम डाइपोलमेंट निकालना देख रहे थे, तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेते हैं, एक बार देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन डाइपोल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन डाइपोल placed in uniform field is zero. बेटा यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स जीरो आएगी, मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो आए, मैग्नेटिक फोर्स जीरो आएगी। तो यहाँ से हम एक दूसरी चीज देखते हैं, बेटा जब भी किसी सिस्टम में नेट फोर्स जीरो हो, टॉर्क हर पॉइंट के बोर्ड सेम आती है, तो नोट कीजिएगा, इफ फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी इज जीरो, नेट टॉर्क अबाउट ईच पॉइंट इज सेम। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, इसकी हमें रोटेशन में जरूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी रोटेशन में बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे ये डाइपोल है, ये मैग्नेट डाइपोल है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर टॉर्क आएगी पी क्रॉस बी, इस पर टॉर्क आएगी पी क्रॉस बी, ये हर एक्सिस के बाद टॉर्क है अगर नेट फोर्स जीरो है। अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो फोर्स जीरो नहीं आएगी, हर पॉइंट के बाद टॉर्क अलग अलग आएगी। तो जब भी आपको कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, अल्फा निकालना होता है, टाउ इक्वल टू अल्फा होता है, टाउ निकालते हैं एक्स ऑफ रोटेशन के अबाउट, आई निकालते हैं एक्स ऑफ रोटेशन के अबाउट, अगर नहीं दिया हो तो सेंटर मास के अबाउट निकालते हैं, तो सेंटर मास के अबाउट निकालते हैं, क्योंकि रोटेशन इक्विलिब्रियम होता है सेंटर मास के अबाउट टॉर्क जीरो होना, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होता है नेट फोर्स जीरो होना, नेट फोर्स जीरो है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आएगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आएगी, ये हमने रोटेशन में पढ़ा था। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट आई है, इसको एक यूनिफॉर्म फिट में डाल दिया है, तो इस पर टॉर्क कितनी होगी, इसका डाइपोलमेंट अंदर की तरफ आएगा और टॉर्क आएगी पी क्रॉस पी, तो इस पर टॉर्क आएगी पी क्रॉस बी। तो अगर ये रोटेट करना शुरू करे, इसका अल्फा निकालना है, तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, अब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाना है, तो बेटा इस पे नेट फोर्स जीरो है, टॉर्क अगर ऐसे है, बेटा पी अंदर की तरफ आएगा, इसका पी आएगा अंदर की तरफ पी क्रॉस बी, यानी कि टॉर्क इस डायरेक्शन में आएगी, इसका मतलब ये रोटेशन एक्सिस बनेगी, तो बॉडी कौन से पॉइंट के ऊपर रोटेट करेगी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, सेंटर मास रेस्ट पे रहेगा, तो सेंटर मास यहीं पे है, तो बॉडी इसके ऊपर रोटेट करेगी, ये पॉइंट अंदर जाएगा और ये बाहर जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो रोटेशन जिस एक्स के ऊपर हो रही है, तो टॉ उसी के ऊपर लेना है, बट यहाँ पे टॉ हर एक के ऊपर सेम है, ध्यान रखिएगा, तो मोमेंट ऑफ शेयर उसके ऊपर लेना है, एक्स ऑफ रोटेशन के ऊपर, मोमेंट ऑफ शेयर एक्स ऑफ रोटेशन के ऊपर लेना है। अब एक काम करता हूँ, इस करंट कैरिंग लूप को यहाँ पे हिंज कर देता हूँ, इसमें करंट डालता हूँ आई, यहाँ पे हिंज कर देता हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड रखता हूँ बी। तो ध्यान रखिएगा, हर एक्सिस के अबाउट टॉर्क सेम रहेगा, बट जब भी इस पे टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा निकालना है, तो टॉर्क किसके अबाउट लेना है, एक्स ऑफ रोटेशन। ध्यान रखिएगा, हर एक्सिस के अबाउट अगर करंट कैरिंग लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, तो हर एक्सिस के अबाउट टॉर्क सेम आएगा। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड ऑन
फ्लो इज प्लेस्ड ऑन फ्लो। तो बेटा ये एक सर्कल लूप है, इसको फ्लोर पे प्लेस किया हुआ है, इसको हमने फ्लोर पे प्लेस किया हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है आर। देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप टेस्ला फॉर वॉट वैल्यू ऑफ करंट। तो बेटा इसमें करंट डाला हुआ है I, इसमें करंट डाला हुआ है I, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ करंट I विल द लूप जस्ट लिफ्ट ऑफ द फ्लोर। तो ये निकालना है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ करंट विल द लूप जस्ट लिफ्ट ऑफ द फ्लोर अबाउट विच पॉइंट डज द लूप लिफ्ट ऑफ द फ्लोर, अबाउट विच पॉइंट डज द लूप लिफ्ट ऑफ द फ्लोर। तो बेटा इस पे देखते हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी करीब करीब इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस तरह से, ये थ्री ये फोर, तो ये आएगा 53 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी फाइव यूनिट्स, मैग्नेटिक फील्ड होगी फाइव यूनिट्स। अब मास ऑफ रिंग इज इक्वल टू एम, मास ऑफ रिंग एम दिया हुआ है, मास ऑफ रिंग एम दिया हुआ है, मास ऑफ रिंग एम दिया हुआ है और रेडियस आर दिया हुआ है। तो हम एक बार देखते हैं, अगर बी ऐसे है और करंट कैरिंग लूप में करंट ऐसे है, तो डाइपोल मोमेंट जाएगा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट जाएगा तो टॉर्क आएगी ऐसे, टॉर्क आएगी ऐसे। तो टॉर्क वेक्टर बताता है ये कैसे घूमेगा। तो अगर टॉर्क इस डायरेक्शन में है, तो जिस भी डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड स्क्रू लेके घुमाओ तो वो बॉडी को वैसे रोटेट करने की कोशिश करता है। तो टॉर्क रोटेशन की डायरेक्शन देती है। तो हम कैसे देखेंगे, अगर ये पेन है इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, तो टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो ऐसे घूम रहा है। अगर इसको स्क्रू की तरफ बाहर निकालूंगा तो ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेगा तो अंदर जाएगा, इसका मतलब टॉर्क अंदर है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो बाहर आएगा, इसका मतलब टॉर्क बाहर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसको आप दो तीन मिनट लेके जरा सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। थोड़े से मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स करके आज मैग्नेटिज्म पार्ट वन करेंगे, बस 10-15 मिनट तक ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जितना भी निपटा लेते हैं। इसके बाद मैग्नेटिज्म पार्ट वन करेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट, पैरा मैग्नेटिज्म, फेरा मैग्नेटिज्म कल करेंगे और कब हो जाएगा पूरा। बेटा कल क्लास करनी है या नहीं करनी है बोल देना, इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से मैं लूंगा। ये देखते हैं, ये करंट कैरिंग लूप है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये थ्री ये फोर। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी
फाइव यूनिट्स मैग्नेटिक फील्ड आएगी, 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आएगी, 5 टेस्ला इस डायरेक्शन में, ये एंगल है 53 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी और करंट कैसे दिया हुआ ऐसे, तो डाइपोल मोमेंट इसका होगा अंदर की तरफ। तो पी क्रॉस बी, पी क्रॉस बी यानी कि टॉर्क आएगा, टॉर्क का वेक्टर आएगा ऐसे, टॉर्क वेक्टर आएगा ऐसे। तो पेन को ऐसे घुमाइए, पेन को ऐसे रखिए और टॉर्क की डायरेक्शन में रोटेट करके ट्रांसलेट कीजिए, तो कैसे घूमेगा ऐसे। तो इसका मतलब ये पॉइंट, तो ये कैसे रोटेट करिए अब देखना, ये जमीन पे पड़ी हुई है, ये कैसे रोटेट करना शुरू करेगी, टॉर्क की होती है एक्सल रोटेशन। तो बॉडी या तो ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी। तो यहाँ पे टॉर्क अगर इस तरफ है, टॉर्क अगर इस तरफ है, तो आप स्क्रू को घुमा के टॉर्क की डायरेक्शन लेके जाइए, तो कैसे घूमेगा, ये इस तरफ से घूमेगा, तो ये पोर्शन बाहर आएगा, तो ये पोर्शन बाहर आएगा और ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, अंदर। तो बेटा अगर इस एक्सिस के बोर्ड घूम रहा है, इस एक्सिस के बोर्ड अगर ये घूम रहा है, शरारत नहीं करोगे, नहीं 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 रुक जा, नहीं बिल्कुल शरारत नहीं, आइडिया पाएंगे, ये बंद कर रहा है इसको, अरे काटना नहीं मुझे, रोटेट करेगा। अब देखो ये जमीन है, अगर जमीन नहीं होती तो पूरा रोटेट करता, अगर जमीन नहीं तो पूरा रोटेट करता। अब ये इसके बोर्ड ऐसे रोटेट करेगा, तो इस पॉइंट के बोर्ड टिप करेगा और ये पॉइंट उठेगा। तो द फर्स्ट पॉइंट व्हिच लिफ्ट्स ऑफ, द फर्स्ट पॉइंट व्हिच लिफ्ट्स ऑफ इज दिस। तो यहां पे रोटेशन ये सेंटर के बोर्ड नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे उठेगा, रोटेशन की एक्सिस क्या आएगी, देखो टॉर्क तो ऐसे आ रहा है, बट क्योंकि ये पॉइंट जमीन से लगा रहेगा, रोटेशन की एक्सिस आएगी ऐसे। तो दिस विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये जमीन पे पड़ा हुआ है, जमीन पे पड़ा हुआ है, तो इसके बोर्ड ये जमीन के नीचे नहीं जा सकता, तो यहां से जब भी रोटेट करेगा तो इस पॉइंट के बोर्ड टिप करेगा, इस पॉइंट के बोर्ड टिप करेगा। तो देखना इसमें मैग्नेटिक टॉर्क हर एक्सिस के बोर्ड सेम आती है, मैग्नेटिक टॉर्क हर एक्सिस के बोर्ड सेम आएगी, जो कि इसको ऐसे टिप कराएगी, जो कि इसको ऐसे टिप कराएगी। तो अगर ये ऐसे उठेगा, एम जी नीचे की तरफ जाएगा, एम जी नीचे की तरफ जाएगा, तो एम जी इंटू आर इसको बैलेंस करेगा, एम जी इंटू आर इसको बैलेंस करेगा, यानी कि मैग्नेटिक टॉर्क अगर जस्ट एम जी आर को ओवरकम कर ले, तो इसका मतलब इफ एम जी इंटू आर जस्ट ओवरकम्स, इफ सॉरी इफ मैग्नेटिक टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क जस्ट ओवरकम्स एम जी इंटू आर। तो बेटा एम जी तो यहां पे एजेक्ट करेगा और आर ये डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टेंजेंट से, सेंटर सर्कल का एक्सिस टेंजेंट से आर डिस्टेंस भी होता है, सर्कल किसी भी टेंजेंट से सेंटर तो आर डिस्टेंस भी होता है। तो यहां पे बेटा जस्ट क्या आ जाएगा, एम जी आर कितना आ जाएगा, एम जी आर आ जाएगा टॉर्क, टॉर्क कितना आएगा, पी क्रॉस बी, पी और बी, पी और बी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बी इस डायरेक्शन में, पी इस डायरेक्शन में, पी और बी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क आएगा P, P कितना आएगा, I into pi r square, I into pi r square, B आएगा B naught, B आएगा B naught, P cross, यानी कि I कितना आना चाहिए, I कितना आना चाहिए, the value of I, the lift will just lift off, तो I जैसे बढ़ता रहेगा, ये torque बढ़ते रहेगी, जैसे ये torque होगी, R से ज़्यादा होगी, तो loop ने lift कर जाना है, तो ध्यान रखिएगा, टॉर्क मैग्नेटिक हर एक्सिस के बोर्ड सेम आएगी, बट बेटा एम जी की टॉर्क इस एक्स के बोर्ड अलग आएगी, इसके बोर्ड अलग आएगी, इसके बोर्ड अलग आएगी, इस एक्स के बोर्ड रोटेट करता है तो एम जी आर की टॉर्क आती है इस एक्स के बोर्ड। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज की नेट फोर्स जीरो हो उसकी टॉर्क हर एक्सिस के बोर्ड सेम आती है। तो यहां पर निकाल सकते हैं आई कितना आ जाएगा, आई विल बी इक्वल टू एम जी बाई पाई आर इंटू बी नॉट। तो कौन से पॉइंट की बोर्ड टिप ऑफ करेगा, कौन से पॉइंट की बोर्ड टिप ऑफ करेगा, तो बेटा About which point does the loop lift off the floor? तो ये point उठेगा तो इसके about tip करेगा, इसके about this will be the tipping point, this will be the tipping point, this will be the point about which it lifts off. तो इसके coordinates क्या आएंगे बेटा, इसके coordinates क्या आएंगे, 53 है, तो r बेटा x coordinate क्या आएगा, r cos 53, y coordinate क्या आएगा, r sin 53,
तो पहले का आंसर ये आएगा और दूसरे दूसरे पार्ट का आंसर ये आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे r बेटा x कोऑर्डिनेट, r cos 53, r cos 53 और r sin 53 डिग्री, r sin 53 डिग्री। बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। ये डायपोल मोमेंट पे टॉर्क के क्वेश्चंस रहते हैं, ध्यान रखना। किसी भी करंट कैरिंग लूप पे, किसी भी करंट कैरिंग लूप पे, किसी भी करंट कैरिंग लूप पे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स आएगी, टॉर्क हर एक्स के अबाउट सेम आएगी, टॉर्क हर एक्सिस के अबाउट सेम आएगी। तो एक काम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन और लेते हैं। बेटा ये मैं पूरा लिखूंगा नहीं क्वेश्चन, ये इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है थीटा, यहाँ पे एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है आर, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है आर। इस पे लूप किस तरह से बना रखी है, इस पे लूप किस तरह से बना रखी है, सिलेंडर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। तो बेटा ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है इस पे टर्न्स हमने इस तरह से दी हुई हैं, ये जो सिलेंडर है इस पे टर्न्स हमने इस तरह से दी हुई हैं, यहाँ पे टर्न्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे देखना, ये हमने लूप्स बना रखी है, ये हमने इस पे वाइंडिंग कर रखी है, ये वाइंडिंग ऐसे जा रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर वहां से निकल रही है। तो बेटा इस पे एन वाइंडिंग्स दे रखी है, इस पे हमने एन वाइंडिंग्स दे रखी है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक कॉइल ऑफ एन टर्न्स इज वाउंड ऑन सिलेंडर, एरिया ऑफ ईच टर्न, एरिया ऑफ ईच टर्न इज इक्वल टू टू आर इंटू एल। तो बेटा ये टर्न्स कैसे की हुई हैं, ये टर्न यहां से इसकी लेंथ टू आर है और वहां पे कितनी है एल। तो हमने सिलेंडर को इस तरह से पकड़ के, सिलेंडर को इस तरह से पकड़ के टर्न्स दे दिए, सिलेंडर को इस तरह से पकड़ के एन टर्न्स दे दिए। तो यहाँ पे एन टर्न्स इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये एन टर्न्स इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो बेटा इसमें एन टर्न्स दिए हुए हैं, तो ये इसका एरिया, ये रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, तो बेटा लिख देते रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स इज बाउंड ऑन सिलेंडर, एरिया ऑफ ईच टर्न इज 2r * l। l क्या है, उसकी लेंथ, l क्या है, उसकी लेंथ। तो बेटा इसका रेडियस कितना दिया हुआ है r। तो यहां पे देखना है बेटा, यहां पे देखना है फ्रंट फेस, देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन, देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन, देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लिपिंग। बेटा यहां पे देयर इज अ वर्टिकली अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, देयर इज अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। अब आपको निकालना है इसमें करंट इस डायरेक्शन में आएगा या इस डायरेक्शन में आएगा। फाइंड द करंट एंड डायरेक्शन, फाइंड द करंट एंड डायरेक्शन इन द लूप, फाइंड the current I and its direction so that cylinder remains at rest। तो जिसको भी डाउट है, इस सिलेंडर पे जो कॉइल्स वाइंड की हुई हैं बेटा, वो इस तरह से की हुई हैं, ये इस तरह से ऐसे करके दिखा देता हूँ। इस पे जो भी कॉइल्स वाइंड की हुई हैं, ये इस तरह से वाइंड की हुई हैं, ये इस तरह से वाइंड की हुई हैं, ये इस तरह से वाइंड की हुई हैं। लॉन्गिट्यूड प्लेन में ये टर्न्स हैं, इस तरह से वाइंड किए हुए हैं। तो यहाँ से जाके अंदर गया, तो बेटा ये टू आर लेंथ, एल लेंथ, फिर टू आर लेंथ पीछे से, फिर एल लेंथ, ऐसे करके एंटर्स दिए। तो सारी जो कॉइल वाइंड की है रेक्टेंगुलर है, उसकी एक साइड डायमीटर के बराबर है, दूसरी साइड लेंथ के बराबर है, बिल्कुल इस तरह से वाइंडिंग की हुई है, इस तरह से एस शोन वाइंडिंग की हुई है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये बहुत रफ है,
बहुत रफ है तो स्लिपिंग नहीं होगी। तो मैं आई इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा आई, किस डायरेक्शन में होगा, और आई की मैग्नीट्यूड निकालनी है सो दैट द सिलेंडर रिमेन्स एट रेस्ट, सो दैट द सिलेंडर रिमेन्स एट रेस्ट। तो इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं, इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो बेटा इस पर कितनी फोर्सेस पड़ेंगी, तो हम जब भी रोटेशन की फोर्सेस लेते हैं फ्रिक्शन को छोड़ देते हैं, एम जी एन और फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स तो आएगी नहीं, मैग्नेटिक फोर्स तो आएगी नहीं, तो फोर्स मेथड से तो कर ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखना करंट कैरिंग लूप को जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो रहेगी, तो एम जी तो नीचे की तरफ आएगी, एन ऐसे आएगा तो नीचे आएगा, बट मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क देगी। तो आपको क्या देखना है, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो ये तो आईसीआर आएगा, तो एम जी की टॉर्क ऐसे आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की टॉर्क उल्टी आनी चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। तो जब भी मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप्स, जब भी करंट कैरिंग लूप्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दी हुई है तो फोर्स मेथड नहीं लगाना है, वो रोटेशन के क्वेश्चन ही बनेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, तो टॉर्क से ही काम करना है, तो टॉर्क से ही काम करना है। तो इसको जरा सॉल्व कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से हैं, बोर्ड लेवल उस टाइप के, बस इतना ही देखना होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो आएगी तो मैग्नेटिक फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बेटा ये एंगल थीटा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आएगा थीटा, ये आएगा 90 माइनस थीटा, हाँ बेटा कल की छुट्टी कर लेंगे, कल की बेटा साकार के मैं वीडियोस डाल दूंगा, मैंने रिकॉर्ड कर लिए, आज शाम तक ना अपलोड कर दूंगा मैं। सही, वो बेटा टाइम सेट नहीं हो पा रहा है, मैं उसके वीडियोस रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए एसी का आज शाम को, और बेटा साकार के वेव्स के दो लेक्चर हो गए, मुझे चार और करने हैं, शायद आज रात तक करके मैं पूरे डाल दूंगा, वो पहले दो तो डाल दूंगा शाम को। बेटा एसी का जो लास्ट लेक्चर है, बेटा एक मिनट में कुछ फाइल्स भेज रहा हूं, बेटा मैं क्लास ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बोलो मैं कल क्लास ले लूंगा, मुझे सिलेबस खत्म करना है, ठीक है बेटा मैं कुछ फाइल भेज रहा हूं आपस में, आप लोग जिसको नहीं मिलेगी जो भी एंड्रॉइड पे है, हाँ बेटा कुछ आंसर सही है, मैं एक फाइल भेज रहा हूं दो, बेटा बेटा मेरे को मैसेज मत करना, एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा, मुझे फाइल्स भेजनी है, बेटा ये मैं वहां पे बाद में डाल दूंगा, अभी आप ले लो इन फाइल्स को, बेटा दो फाइल्स डालिए, एक मैग्नेट के इफेक्ट ऑफ करंट की, अभी दो फाइल्स डालिए, जो भी एंड्रॉइड पे होगा बेटा आप उसमें शेयर कर लेना, नहीं तो मैं ग्रुप में शाम तक डाल दूंगा, ग्रुप में शाम तक डाल दूंगा। तो ध्यान से सुनना, एक है मैग्नेट के इफेक्ट जिसमें असाइनमेंट है, जो भी कर रहा हूँ मैग्नेटिज्म की थ्योरी, और पूरा वो मेन्स का मटेरियल है, वो पूरा मेन्स का मटेरियल है, उसकी थ्योरी एकदम से पूरी पढ़नी है, मैं जितना पढ़ाऊंगा उसके बाद भी पढ़नी है, और उसके लास्ट के क्वेश्चन से उल्टा करके सॉल्व करना शुरू करना। तो बेटा यहां पे हम देखना शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं, बेटा एक काम करते हैं, रोटेशन में जब भी हम टॉर्क्स कर रहे थे हम वेक्टर ज्यादा यूज नहीं करते, बट मैं शुरू से बोल रहा हूँ वेक्टर यूज करना बहुत बेनिफिशियल रहता है, वेक्टर्स यूज करना बहुत बेनिफिशियल रहता है, तो धीरे धीरे वेक्टर नोटेशन यूज करना शुरू करते हैं, इलेवंथ में कंफर्टेबल नहीं रहते बट कंफर्ट ज्यादा उसी से आएगा। तो बेटा यहां पे रहेगा, तो इसको इक्विलिब्रियम में रहने की कंडीशन, इक्विलिब्रियम में रहने की कंडीशन में तो हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहे, फॉर बॉडी टू बी इक्विलिब्रियम टॉर्क अबाउट ईच पॉइंट इज जीरो, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम टॉर्क
अबाउट ईच पॉइंट शुड बी जीरो. तो हम इसके ऊपर टॉर्क लेते हैं, क्यों? नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन और उसका टॉर्क जीरो आएगा. बट इसके ऊपर टॉर्क जीरो लेते हैं तो एम जी का टॉर्क कैसे आएगा? ये आएगा एम जी और ये रहेगा आर, ये रहेगा आर. तो बेटा एम जी का टॉर्क अपन देखते हैं, ये कॉम्पोनेंट आएगा एम जी कॉसिटा, ये आएगा आर. ये कॉम्पोनेंट आएगा एम जी कॉसिटा, ये कॉम्पोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा, और ये कॉम्पोनेंट आएगा एम जी कॉसिटा. तो बेटा एम जी का टॉर्क, एम जी का टॉर्क कितना आएगा? एम जी साइन थीटा इंटू आर. टॉर्क की डायरेक्शन देखते हैं, टॉर्क की डायरेक्शन देखते हैं कैसे घुमा रहा है ऐसे. तो ये टॉर्क किस तरफ आएगा? अंदर की तरफ. तो ये टॉर्क किस तरफ आएगा? अंदर की तरफ. तो एम जी का टॉर्क क्या कर रहा है? ऐसे घुमा रहा है. अगर ऐसे घुमा रहा है, ये टॉर्क अंदर की तरफ है. तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कैसे आना चाहिए? बाहर की तरफ. तो यहां पे देखना शुरू करते हैं. तो बेटा इसका डाइवलमेंट या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा. इसका डाइवलमेंट या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा. ये पी क्रॉस बी इस तरह से आएगा और ये वाला पी क्रॉस बी. बेटा तो अगर ये टॉर्च ऐसे है, अगर ये डाइवलमेंट इसका ऐसे है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसका डाइवलमेंट ऐसे है, पी पी और बी के बीच पे, तो पी क्रॉस बी ऐसे आएगा, ये इस तरह से घुमाएगा. तो डाइवलमेंट इस तरह से होना चाहिए. अगर ये डाइवलमेंट इस तरह से होता, ये डाइवलमेंट इस तरह से होता, तो पी क्रॉस बी ये ऐसे घुमाएगा, यानी कि और घुमा देगा. यानी कि इसका डाइवलमेंट कैसे होना चाहिए? ऐसे. इसका डाइवलमेंट होने के लिए ये बाहर से करंट कैसे जाना चाहिए? बेटा करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? तो अगर करंट की डायरेक्शन बाहर से ऐसे आएगी, तो डेवलपमेंट इस तरह से होगा. तो ये डेवलपमेंट इस तरह से होगा, तो इसका टॉर्क आना चाहिए पी क्रॉस बी. तो बेटा पी और बी के बीच में एंगल कितना आएगा? पी और बी के बीच में एंगल कितना आएगा? थीटा. पी और बी के बीच में एंगल कितना आएगा? थीटा. तो इसको हम लिखते हैं, ये आएगा पी इंटू बी इंटू साइन थीटा. पी इंटू बी इंटू साइन थीटा. तो बेटा ये P इस तरह से होना चाहिए, B इस तरह से होना चाहिए, ताकि P क्रॉस B ऐसे आए. और ये अगर ऐसे आए, तो ये बॉडी को ऐसे घुमाएगा. तो इस पॉइंट के अबाउट दो फोर्स के टॉर्क आएंगे. फोर्सेस हो ना हो, एक mg और एक मैग्नेटिक टॉर्क. बेटा n और नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का टॉर्क तो इसके अबाउट जीरो आने वाला है. तो ये P कितना आ जाएगा? P आ जाएगा बेटा, इसमें n टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं. P आ जाएगा n i 2R into L B sin theta. तो बेटा I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी mg, mg by I की वैल्यू आ जाएगी. RR कटेगा, RR कटेगा, sin theta कटेगा. I की वैल्यू आ जाएगी n number of terms 2L into B. बेटा आंसर सही था. अगर आप सिंगल टर्म लेते हो तो एल इंटू बी था, अगर एन टर्म्स लेते हो, अगर एन टर्म्स लेते हो तो एन टाइम्स आ जाए. तो ये एन टाइम्स आ जाए. बेटा एक क्वेश्चन जरा मॉडर्न फिजिक्स का यहां पे हम देख लेते हैं. एक क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का यहां पे देख लेते हैं डेवलपमेंट पे, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूं वो केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, वो केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा. तो बेटा यहां पे देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए charged particle undergoing uniform circular motion, undergoing uniform circular motion. कोई भी चार्ज क्यों है, ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है r radius के सर्कल में, r radius के सर्कल में. कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास है m. तो बेटा मैग्नेटिक डाइपोलमेंट, ये करंट इस तरह से होगा, अंदर की तरफ होगा. मैग्नेटिक डाइपोलमेंट अंदर की तरफ होगा. तो ये कितना होगा? आई इंटू ए, आई इंटू ए. ए कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर. आई कितना आएगा? तो हम इसको ले लेते हैं
एक टर्न में एक बार चार्ज फ्लो करेगा तो एवरेज करंट कितना आएगा क्यू बाई टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में हर क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज फ्लो करेगा तो ध्यान रखना ये डिस्क्रीट करंट है कंटीन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट करंट है कंटीन्यूअस नहीं है। तो क्यू बाई टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई बाय ओमेगा इनटू पाई आर स्क्वायर, इसके फॉर्मूले करा रखे हैं मैंने, तो ये कितना आ जाएगा हाफ क्यू आर स्क्वायर इनटू ओमेगा। बेटा क्यू की जगह अगर एम होता तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा हाफ एंगुलर मोमेंटम आ जाता। तो यहां पे हम क्या करते हैं इसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं और मास को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा हाफ क्यू बाई एम इंटू एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा क्यू बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा इस फॉर्मूले को याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो हम सिर्फ रिविजन में ही करेंगे, कोई भी चार्ज बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसका मैग्नेट डेवलपमेंट निकालना है। तो अब क्या करोगे एंगुलर मोमेंटम निकालोगे क्यू बाई 2m से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये सब क्लासेस में अच्छी तरह से हो रहा है। बेटा बोर्ड सीरीज में हमें क्या देखना है, बेटा इन बोर्ड सीरीज तो एक एग्जांपल देखते हैं, इन एग्जांपल देखना है बेटा इन हाइड्रोजन एटम, तो इसको याद किया जाएगा इन हाइड्रोजन एटम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, अगर एक r रेडियस के ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। ये कितना होगा nh by 2 pi, ये कितना होगा nh by 2 pi। तो ध्यान रखना तो यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बड़ी जल्दी मिल जाता है, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं तो बेटा इस थ्योरी को जरा याद रखिएगा, ये केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा उसमें पढ़ाया होगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ H atom, find magnetic dipole moment of H atom when electron is in nth state, जब electron nth state में होगा। ध्यान रखना बेटा second state first excited state होती है, nth excited state अलग होती है, nth state अलग होती है। first excited nth n is equal to 1 ground state है, n is equal to 2 first excited state है, n is equal to 3 second excited state है। तो जब excited state बोला जाए तो एक कम करना है, उस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसका हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ h एटम विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई जो कि रुका हुआ है 0 प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या एंगुलर मोमेंटम ऑफ h एटम बोलो, अगर न्यूक्लियस रुका हुआ है दोनों का मतलब सेम है, बाइनरी स्टार सिस्टम में दोनों का मतलब सेम नहीं होगा। तो जब भी जेनरी रेफर किया जाता है हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस रेस्ट पर रहता है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच ऑर्बिट, तो बेटा ये कितना होगा एनएच बाय 2 पाई। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा बेटा ई बाय 2m इंटू एल तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वो सब नहीं करना है। तो बेटा इसकी वैल्यू सी से आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको वैल्यूज पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की 1. बेटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होगा 9.1, उसका मास कितना आएगा इलेक्ट्रॉन का, ये वैल्यूज स्टैंडर्ड है, ये वैल्यूज स्टैंडर्ड है। तो ये कितना हो जाएगा ई बाई 2m इंटू एन एच बाई 2 पाई। इसी चीज को गलत तरीके से बेटा, हाँ ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी गलत है, 11th या 12th में कभी कभी इसको बोर्स मैग्नेट्रॉन बोल देते हैं, बोर्स मैग्नेट्रॉन करीब करीब ऐसा है, पूरा ऐसा नहीं है, तो थोड़ी सी गलती होती है उसमें। तो कई बार 12th के सिलेबस में इसको बोर्स मैग्नेट्रॉन भी बोल देते हैं।
बेटा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल सबने काफी डिटेल्स में किया हुआ था वहां पे, बस कल की एक चीज करके हम थोड़ा कल का एक पॉइंट मुझे रिवाइज कराना है ताकि वो बोल ना जाए बेटा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ए चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम इज इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन। देर इज यूनिफॉर्म, देर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस एज शो। तो बेटा ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, बट उसका मेन्स वाला पोर्शन में कर देता हूँ, एडवांस वाला आप लोग खुद भी कर सकते हो, नहीं तो उसको बाद में रिवाइज कर लेंगे, मैं अभी हिंट दे दूंगा। तो बेटा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन था, चार्ज हमने रेस्ट पे लिया था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिए थे, उसका मैंने एक तरीका बताया था एसएचएम वाला, उससे भी बढ़िया तरीका है, उससे भी बढ़िया तरीका है सॉल्व करने का बेटा, उसमें चार्ज साइक्लोइडल मोशन कर रहा था। ध्यान रखना सबसे इजी मोशन होती है सर्कुलर, सबसे इजी मोशन होती है सर्कुलर। साइक्लोइडल क्या होती है? साइक्लोइडल होती है सर्कुलर प्लस ट्रांसलेशन, सर्कुलर प्लस ट्रांसलेशन। तो देयर इज यूनिफॉर्म, तो बेटा मेरी बात को ध्यान रखना, ये सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन को इधर कांस्टेंट वेलोसिटी लेके आएंगे तो हेलिक्स बनेगा, इसको इसी प्लेन में कांस्टेंट वेलोसिटी लेके जाएंगे तो साइक्लॉइड बनेगा, इसको सर्कुलर मोशन को के साथ एक वेलोसिटी इधर ऐड कर देंगे, एक वेलोसिटी इधर ऐड कर देंगे, यानी कि सर्कुलर मोशन हो रही है, अगर मैं ऐसे भागना शुरू करूँ मुझे साइक्लॉइड दिखाई देगा, ये सर्कुलर मोशन हो रही है, अगर मैं ऐसे भागना शुरू करूँ मुझे साइक्लॉइड दिखाई देगा, ऐसे भागना शुरू करूँ हेलिक्स दिखाई देगा। तो अगर सर्कुलर मोशन हो रही है, ऐसे भागना शुरू हेलिक्स दिखाई देगा, तो हेलिक्स दिखाई दे रहा है, मैं फ्रेम चेंज करूँ मुझे सर्कल भी दिखाई देगा। अगर ये सर्कुलर मोशन है, मैं ऐसे भागना शुरू करूँ मुझे साइक्लॉइड दिखाई देगा, इसका दूसरा मतलब अगर साइक्लॉइड दिखाई दे रहा है, मैं किसी फ्रेम में सर्कुलर भी दिखाई देगा, सर्कुलर किसी फ्रेम में साइक्लॉइड दिखाई देगी, तो साइक्लॉइड मोशन किसी फ्रेम में सर्कुलर दिखाई देगा, सर्कुलर मोशन किसी फ्रेम में हेलिक्स दिखाई देगी, तो हेलिकल मोशन किसी ना किसी फ्रेम में सर्कुलर दिखाई देगा। तो हमें प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना, तो देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन स्पेस। बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ए नॉट आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बेटा, बी इज इक्वल टू माइनस बी नॉट के कैप। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्यू है और एक मास है एम। तो देखते हैं रफली मोशन कैसे होगी, अब रफली देखते हैं इसकी मोशन कैसे होगी बेटा, क्योंकि रेस्ट पे था मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ वर्क नहीं करेगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे वेलोसिटी देगी और मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे घुमाएगी। बेटा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड इसको कैसे घुमाएगी, बी के ऑपोजिट, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे घुमाएगी। अब ये मोशन बहुत अजीब सी होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको ऐसे खींचेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको ऐसे खींचेगी, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको ऐसे खींचेगी और मैग्नेटिक फील्ड बेटा अगर चार्ज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे है वी क्रॉस बी, ये इसको ऐसे घुमाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को छोड़ते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी आती है बी के ऑपोजिट, एंगुलर वेलोसिटी आती है बी के ऑपोजिट, तो इसकी रोटेशन की सेंस ऐसे रहेगी और ट्रांसलेशन ऐसे होगी, रोटेशन की सेंस ऐसे होगी और ट्रांसलेशन ऐसे होगी, वो बात अलग है, साइक्लोइडल मोशन ऐसे होने वाली है, वो बात अलग है, साइक्लोइडल मोशन ऐसे होने वाली है। तो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों पड़ रही हैं, तो हाउ शुड एन ऑब्जर्वर मूव सो दैट ही only measures magnetic force on charged particle। तो हमने कल डिस्कस किया था, अगर कोई भी चार्ज
ऑब्जर्वर वी वेलोसिटी से जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखता है वो कितनी आती है वी क्रॉस बी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर देगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर देगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जीरो। तो इसका मतलब वी क्रॉस बी किस डायरेक्शन में आना चाहिए, वी क्रॉस बी किस डायरेक्शन में आना चाहिए, इस डायरेक्शन में, तो बी की डायरेक्शन दी हुई है, बी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालेगा। तो उस फ्रेम में जाएंगे तो हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखाई देगी और बहुत ईजी आएगा। उस फ्रेम में जाएंगे तो हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखाई देगी और प्रॉब्लम बहुत ही ईजी आएगा। तो बेटा v ऐसे होना चाहिए और b ऐसे होना चाहिए, तो अगर ऐसे जाते हो आपको सर्कुलर मोशन दिखाई देगी। अब देखो इसके एनालिसिस करना कितना इजी है, अगर आप ऐसे करके जाओगे तो v क्रॉस b इलेक्ट्रिक ऐसे आएगी, इस इलेक्ट्रिक को नलीफाई कर सकते हो। तो अगर आदमी ऐसे मूव करता है, अगर आदमी ऐसे मूव करता है तो उसको सर्कुलर मोशन दिखाई देगी। तो अगर आदमी रुक जाएगा तो बेटा उसको कैसे दिखाई देगी, अपनी वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी। आदमी अगर रुकेगा तो ये हेलिकल ये साइक्लोइडल मोशन कैसे आएगी, तो ये सर्कुलर मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगी। तो बेटा उतने से ही काम हो जाता है, उतने से ही काम हो जाता है, तो हमें कुछ बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस पहले पार्ट को कर लो, इसकी इंप्लीकेशन मैं समझा रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसे करके भागता हूँ मुझे इलेक्ट्रिक जीरो दिखाई देगी तो मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखाई देगी, किस तरह से, इस तरह से। तो अगर मैं भाग रहा हूँ तो अगर मैं रुक गया तो अपनी वेलोसिटी ऐड करूंगा, तो रुके हुए फ्रेम में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस वेलोसिटी से जाती दिखाई देगी, उसी वेलोसिटी से, तो वो होता है साइक्लॉइड। तो ग्राउंड फ्रेम में आने में हम सिर्फ वो वेलोसिटी ऐड करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, तो काफी इजी हो जाता है। तो बेटा कितना आएगा, यहां पे वी वेलोसिटी से भागना शुरू करते हैं, यहां पे वी वेलोसिटी से भागना शुरू करते हैं, तो वी क्रॉस बी इस साइड में आएगा, तो वी क्रॉस बी इस साइड में आएगा, तो वी क्रॉस बी कितना आएगा, E नॉट के बराबर। तो V और B के बीच में एंगल 90 है, तो V क्रॉस B कितना आएगा, V B नॉट, ये कितने के बराबर होना चाहिए, E नॉट। तो V कितना आएगा, E नॉट बाय B नॉट। तो अगर मैं E नॉट बाय B नॉट से भागूं, E नॉट बाय B नॉट से भागूं, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिखाई देगा। तो अब इस वेलोसिटी से भागूं तो मुझे चार्ज पार्टिकल पहले रुका हुआ था, अब इस वेलोसिटी से भागता दिखाई देगा, तो ये कैसे दिखाई देगा, सर्कुलर मोशन करता हुआ, कैसे दिखाई देगा, सर्कुलर मोशन करता हुआ। तो बेटा हम बार मैग्नेट्स का हमने एक बार पूरा पढ़ रखा है, एक बार हमने पूरा पढ़ रखा है, तो हम बार मैग्नेट्स पे चलते हैं। बेटा इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार मैग्नेट में, एक बार मैग्नेट में, तो बेटा यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है। अब बेटा एक छोटी सी कहानी थी कि मैग्नेट्स को हम तोड़ते जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेम रहता है। एक्चुअली में क्या है, जब भी कोई भी एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसको इसलिए लिया है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, दैट्स इक्वल टू डायपोल, डायपोल इस तरह से आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे करंट कैरिंग लूप लेता हूँ, इस तरह से देखते हैं बेटा करंट ऐसे आ रहा है, तो इसका डायपोल इस तरह से है, तो दिस इज इक्वल टू ए डायपोल जिसका नॉर्थ पोल ऐसे है और साउथ पोल ऐसे है। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, बेटा हमें पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म आगे पढ़ना है। तो इसका मतलब हर एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन है अगर घूम रहे हैं, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, तो हर इलेक्ट्रॉन का एक डेवलपमेंट आएगा। तो ईच रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, ईच रोटेटिंग बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में आते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में आते हैं, तो कोई भी एक बार मैग्नेट है, अब मुझे इसका मैग्नेटिक डेवलपमेंट निकालना है, मुझे इसका मैग्नेटिक डेवलपमेंट निकालना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं पूरे चैप्टर की थ्योरी एक ही में करूँगा, क्योंकि बेटा वही चीज़ें बार बार रिपीट करने का, तो एक बार टाइम ज़्यादा ले लो। तो मुझे पूरे सिस्टम का डेवलपमेंट निकालना है, मुझे पूरे सिस्टम का डेवलपमेंट निकालना है। तो डेवलपमेंट निकालेंगे कहाँ से, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दैट्स इक्वल टू डायपोल, उसका डेवलपमेंट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे घूमेगा करंट रोटेट डायरेक्शन में आएगा, तो मैग्नेट डायपोल। तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्लेन में रोटेट करते हैं, एक एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्लेन में रोटेट करते हैं, तो एक एटम के डेवलपमेंट कितना होगा, पहले इलेक्ट्रॉन का डेवलपमेंट प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे का,
प्लस तीसरे का प्लस चौथे का सबका आएगा। तो इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है उसमें कोई भी एटम है, एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब सबके डायपलमेंट अलग अलग राशि में हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सबके डायपलमेंट कैंसिल कर जाए, ऐसा हो सकता है सबके डायपलमेंट कैंसिल कर जाए। अगर सबके डायपलमेंट कैंसिल करते हैं और हर एटम का मैग्नेटिक डायपलमेंट जीरो आता है, इस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं डायमैग्नेट, इस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं डायमैग्नेट, इस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं डायमैग्नेट। अगर सारे इलेक्ट्रॉन के डायपलमेंट एक ही डायरेक्शन में आते हैं, वो जल्दी होते नहीं है, कर दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं फेरोमैग्नेट, उसे बोलते हैं फेरोमैग्नेट। पैरामैग्नेट का भी डायपलमेंट रहता है, तो कुछ एटम्स के परमानेंट डायपलमेंट होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। जिनके नहीं होते हैं उनको डायमैग्नेट्स बोलते हैं, जिनके होते हैं अगर वीक है तो पैरामैग्नेट्स है, अगर स्ट्रांग है तो फेरोमैग्नेट्स है। तो हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स के, एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबके डायपलमेंट अगर कैंसिल कर जाए तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं डायमैग्नेट। तो इसमें खास बात क्या होगी, इसमें खास बात क्या होगी, क्योंकि मुझे मैग्नेट्स पे आना है, क्योंकि मुझे मैग्नेट्स पे आना है, तो कुछ क्वेश्चंस देने हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो ये कोई भी सब्सटेंस है, इसके अंदर एक एटम है, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स के डेवलपमेंट कैंसिल हो गए, तो एटम का नेट मैग्नेटिक डेवलपमेंट कितना आएगा, जीरो। पूरे सिस्टम का नेट मैग्नेटिक डेवलपमेंट कितना आएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। तो इस सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक डेवलपमेंट आएगा जीरो। अब एक केस लेता हूं, इसमें एक एटम है जिसके सारे इलेक्ट्रॉन्स के डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में है, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स के डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में, उसका नेट डेवलपमेंट आएगा। तो मान लेता हूं इस एटम का नेट डेवलपमेंट, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो मैं एक एटम ले लेता हूं, एक एटम ले लेता हूं, इस एटम के में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके डेवलपमेंट इसी डायरेक्शन में, तो नेट डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो नेट डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ये दूसरा एटम है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स के डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में है, तो नेट डेवलपमेंट भी ऐसा आ जाएगा। तो इस एटम में सारे इलेक्ट्रॉन्स के नेट डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में, इस एटम में सारे इलेक्ट्रॉन्स के नेट डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में है। तो यहां पे देखिएगा, हर एटम का नेट डेवलपमेंट तो है, हर एटम का नेट डेवलपमेंट तो है, तो हर एटम का नेट डेवलपमेंट है, बट सब एटम के नेट डेवलपमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ओवरऑल कैंसिल भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, ओवरऑल कैंसिल भी कर सकता है तो ऐड भी कर सकता है। तो दो चीज आएंगी, हर एटम का नेट डेवलपमेंट जीरो है तो सिस्टम का नेट डेवलपमेंट जीरो होगा, हर एटम का नेट डेवलपमेंट है तभी भी सिस्टम का नेट डेवलपमेंट जीरो हो सकता है, तभी भी सिस्टम का नेट डेवलपमेंट जीरो हो सकता है। अब मैग्नेट्स में क्या होता है, अब मैग्नेट्स में क्या होता है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। मैग्नेट्स में क्या होता है, हर एटम में हर एटम का डेवलपमेंट होता है और हर एटम का डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है इन मैग्नेट्स। तो हम यहां पे लिखते हैं इन मैग्नेट्स इन जनरल, इन, तो बेटा यहां पे लिखिएगा इस स्टेटमेंट को, मैं डेंजर नहीं कर, इन फ्रेशली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट्स। बेटा मैं थोड़ा बच के लिखना होता है क्योंकि इन जनरली हमेशा ट्रू नहीं होता है, इन फ्रेशली मैग्नेटाइज्ड बर मैग्नेट्स नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम इज इन सेम डायरेक्शन, इज इन सेम डायरेक्शन। तो बेटा कोई भी फ्रेशली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट होता है उसमें हर एटम के डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में होती है, हर एटम के डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में होती है, इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यहां की कहानी मैं हल्की सी बता देता हूं। जनरली आयरन के अंदर, जनरली आयरन के अंदर क्या होता है, जनरली आयरन के अंदर क्या होता है, बेटा एक एटम है इसका डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में होता है, यहां पे दूसरा एटम है इसका नेट डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में होता है। आयरन के आसपास बेटा ये आसपास को अफेक्ट करता है, इसमें कुछ आसपास के रीजन में डेवलपमेंट एक डायरेक्शन में होते हैं, इस रीजन को बोलते हैं डोमेन, इस रीजन को बोलते हैं डोमेन, आयरन के अंदर इस रीजन को बोलते हैं डोमेन। तो आसपास के कुछ एटम्स का डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, थोड़ा दूर जाएंगे करीब करीब सारे एटम्स का डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसा क्यों होता है, हमें धीरे धीरे समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। तो कोई भी एक बार मैग्नेट है तो बेटा एक रीजन में, इस रीजन के अंदर जितने भी मैग्नेट एटम्स होंगे सबका डेवलपमेंट एक डायरेक्शन में आएगा, इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे सबका डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में आएगा, ऐसा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। तो इस पूरे रीजन को बोलते हैं डोमेन, इस पूरे रीजन को बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन इज अ रीजन इन विच ऑल एटम्स विच आर मैग्नेटिक डायपोल्स आर अलाइंड। अभी अलाइन ऐसे क्यों होते हैं,
तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई भी एक मैग्नेट डाइपोल है तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर पड़ेगी और साउथ पोल पे फोर्स इधर पड़ेगी, तो डाइपोल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा अलाइन कर देगा। तो किसी भी डाइपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो अलाइन करेगा किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कोई भी एक डाइपोल है, कोई भी एक डाइपोल है आसपास फील्ड करता है, ये आसपास फील्ड करेगा तो पास वाले एटम्स उसी के साथ अलाइन कर जाते हैं, तो किसी भी जो एटम है इसकी फील्ड थोड़ी पास में रहती है, पास में ज्यादा रहती है, दूर में बहुत कम रहती है, दूर में बहुत कम रहती है, तो इसके आसपास फील्ड, इसके आसपास की जो फील्ड होती है उसकी वजह से जो डाइपोल्स होते हैं वो इसी के अलोंग अलाइन कर लेते हैं, दूर नहीं करते। तो आसपास के एटम्स आयरन में, हर मटेरियल में नहीं, क्योंकि इसका डाइपोलमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, इसका डाइपोलमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, आसपास के कुछ अलाइन कर लेते हैं, तो ये सारे डाइपोलमेंट यहाँ पे किसी और डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। तो जिस रीजन में सारे एटम्स के डाइपोलमेंट एक ही डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं डोमेन, उसको बोलते हैं डोमेन। अब ये जो स्टेटमेंट दी है, क्योंकि इसके बेसिस पे मैग्नेट्स में तो क्वेश्चंस आएंगे, बार मैग्नेट्स में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम जनरली डिस्कस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक आयरन लेते हैं, एक आयरन लेते हैं बेटा, इस रीजन में, इस रीजन में सारे एटम्स के डाइपोलमेंट ऐसे हैं, इस रीजन में सारे एटम्स के डाइपोलमेंट ऐसे हैं, तो हमें काम करते हैं, ये आयरन है, हेमेटाइट ओर लेते हैं, नॉट आयरन, लेट्स टेक इट एज हेमेटाइट ओर, आयरन में भी ऐसे होता है, हेमेटाइट ओर में भी ऐसे होता है। तो बेटा अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दी, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दी, ये सारे एटम्स उसके अलोंग अलाइन कर लेंगे, ये सारे एटम्स उसके अलोंग अलाइन कर लेंगे। तो अगर इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग में रख दिया जाए तो ये सारे एटम्स के डाइपोलमेंट एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, सारे एटम्स के डाइपोलमेंट एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो अगर आयरन को, अगर आयरन को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं तो हर एटम का एक नेट डाइपोलमेंट होता है, सारे अलाइन कर जाते हैं, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एज दैट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ध्यान रखना, इन ए फ्रेशली मैग्नेटाइज्ड बार मैग्नेट्स, नेट डाइपोलमेंट ऑफ ईच एटम इज इन सेम डायरेक्शन। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं सारे एटम के डाइपोलमेंट्स अलाइन कर जाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर सारे एटम के डाइपोलमेंट्स अलाइन करेंगे सिस्टम का नेट डाइपोलमेंट मैक्सिमम आएगा। सिस्टम का नेट डाइपोलमेंट क्या होगा, डाइपोलमेंट ऑफ 1 प्लस डाइपोलमेंट ऑफ 2 प्लस डाइपोलमेंट ऑफ 3 प्लस डाइपोलमेंट ऑफ 4 प्लस डाइपोलमेंट ऑफ 5। मैग्नेटिज्म की यही बेसिक थ्योरी है जो मैंने डिस्कस की है, सारी चीजें इसके बेस पे आएंगी। तो मैग्नेटिज्म में जनरली क्या होता है, कुछ कुछ एटम्स के नेट डाइपोलमेंट नहीं होंगे, कैंसिल कर जाएंगे, कुछ एटम्स के नेट डाइपोलमेंट होंगे वीक होंगे मैग्नेटिक, कुछ के बहुत स्ट्रांग होंगे, जिनके बहुत स्ट्रांग होंगे वो आसपास पे इफेक्ट डालेंगे, आसपास के सारे डाइपोलमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो दूर के दूसरे होंगे तो वो डोमेन्स क्रिएट करते हैं। तो जिन भी एटम्स के डाइपोलमेंट वीक है वो पैरामैग्नेट रहते हैं, जिनके भी डाइपोलमेंट स्ट्रांग है ज्यादा है उन्हें फेरोमैग्नेट्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, आसपास के भी एटम्स के डाइपोलमेंट अलाइन कर लेते हैं, तो उन रीजन को डोमेन्स बोलते हैं। तो जब भी जिनके डाइपोलमेंट स्ट्रांग है उनको एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं, उनको एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं, तो सारे डाइपोलमेंट टर्न करके उसके अलोंग अलाइन हो जाते हैं। जब ये ऐसे अलाइन होंगे तो ध्यान रखना सिस्टम का डाइपोलमेंट मैक्सिमम आएगा। तो किसी भी बार मैग्नेट का डाइपोलमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब सारे डाइपोलमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे। और नेट डाइपोलमेंट कितना आएगा, डाइपोलमेंट ऑफ 1 प्लस डाइपोलमेंट ऑफ 2 प्लस डाइपोलमेंट ऑफ 3 प्लस डाइपोलमेंट ऑफ 4, डाइपोलमेंट बीइंग वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोलमेंट बीइंग वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैग्नेट्स के बारे में तो हमने पढ़ रखा है, तो बेटा देयर इज अ बार मैग्नेट, देयर इज ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेट डाइपोलमेंट मैग्नेटिक डाइपोल, देयर इज अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोलमेंट एम एस शून्य। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट को हम पी से लिखते हैं, मैग्नेट डाइपोलमेंट को लोग म्यू या कैपिटल एम से लिखते हैं, म्यू या कैपिटल एम से लिखते हैं, मैं पी एन से लिखता हूँ, बट मेंस के लिए मैं जो बुक पे नोटेशन दिए वो लिखता हूँ यहाँ पे। बेटा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब यहाँ पे देखना है, फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच हाफ इफ मैग्नेट इज बट
into two pieces as shown. बेटा मैग्नेट्स के बारे में जब भी सोचोगे बिल्कुल वही थॉट रखना, इलेक्ट्रॉनिक डाइपोलमेंट, एटॉमिक डाइपोलमेंट, नेट डाइपोलमेंट क्या होगा, सबको ऐड करना, बस यही बेसिक थ्योरी है। तो डाइपोलमेंट के बारे में कुछ चीजें और बची है जो हम कल डिस्कस करके इसको पूरा फिनिश कर देंगे। बेटा केस ए, इसको ऐसे करके काटा गया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको ऐसे करके दो हाफ्स में काट दिया गया, लेफ्ट हाफ बेटा ये आएगा लेफ्ट हाफ और ये आएगा राइट हाफ। बी केस में इसको ऐसे करके काटा गया है, इसको ऐसे करके काटा गया है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। बेटा इसको परपेंडिकुलर टू लेंथ काटा गया है, परपेंडिकुलर टू लेंथ और ये कैसे आएगा, पैरेलल टू लेंथ। तो बेटा इनकी थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर हजार डाइपोल्स हैं, सबका डाइपोलमेंट है, सब डाइपोलमेंट अलाइन है, तो यहाँ पे पांचों डाइपोल हैं, यहाँ पे पांचों डाइपोल हैं, तो एक डाइपोलमेंट का डाइपोलमेंट पी है, तो इसका डाइपोलमेंट कितना होगा 500p, इसका कितना होगा 500p, पूरे का कितना आएगा 1000p। इसमें भी 1000 डाइपोलमेंट है, 1000 एटम मान लो, सबका डाइपोलमेंट पी है, तो सब अलाइन है, तो ऊपर पे 500 आएंगे, नीचे पे 500 आएंगे, तो इसका मतलब अब मैग्नेट को ऐसा काटो या ऐसा काटो, डाइपोलमेंट आधा ही होगा। क्यों? मैग्नेट्स में हम क्या मान के चलते हैं, जब तक कुछ बोला नहीं हुआ, हर एटम का डाइपोलमेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो एक एटम का डाइपोलमेंट अगर पी है तो जितने भी एटम्स हैं एन टाइम्स पी होगा। तो ऐसे काटेंगे, इसमें आधे एटम्स आएंगे, इसमें आधे आएंगे, तो इसका डाइपोलमेंट आधा होना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए। अगर ऐसे काटेंगे तो ऊपर में आधे आने चाहिए, नीचे में आधे आने चाहिए, तो ऊपर का भी डाइपोलमेंट, उसको लेंथ के अलोंग काटो या लेंथ के परपेंडिकुलर काटो, डाइपोलमेंट हाफ आएगा। तो आंसर कितना रहेगा? तो बेटा m by 2 in both cases, m by 2 in both cases। तो बेटा यहाँ पे हम ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं जो क्वेश्चंस जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो थ्योरी उसके साथ ही कर लेंगे। बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, ये एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक बार मैग्नेट है। बेटा ये है लेंथ, ये साइड है ए और ये साइड है बी, ये नॉर्थ पोल और ये है साउथ। तो बार मैग्नेट इस तरह से दिया हुआ है, लेट मास ऑफ बार मैग्नेट बी एम एन डाइपोल मोमेंट बी एम। तो एक बार मैग्नेट है, इसको इस तरह से रखा हुआ है, बेटा सारी चीजें मैग्नेटोमीटर्स वगैरह इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारे नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर रखा है। तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, बेटा यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, इस साइड की विड्थ ए है और ये विड्थ है एल, सेम बार मैग्नेट रखा हुआ है, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पे है नॉर्थ पोल और यहाँ पे है साउथ पोल। तो बेटा बार मैग्नेट 3D में दिखाया हुआ है, ये साइड है ए, ये साइड है एल, तो वो साइड है बी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, m is equal to mass of magnet, capital M is equal to magnetic dipole moment। ये angle theta बहुत छोटा है, theta is very small, find time period of estimation, theta is very small, find time period of accession।
बेटा कल क्लास है 8 से 9:30, कल क्लास है 8 से 9:30। बेटा कल की क्लास कैंसिल नहीं है, संडे की भी क्लास कैंसिल नहीं है। 19 तक जिसे मैं आऊंगा शाम के टाइम एक दिन बता दूंगा, बाकी कोई क्लास कैंसिल नहीं है किसी भी दिन। तो बेटा एक काम करते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक डायपोल, ये एंगल है थीटा। तो इस पे टॉर्क कैसे आएगी, पी क्रॉस बी। टॉर्क कैसे आएगी बेटा, ये ऐसे स्टोरिंग घूमेगा, तो टॉर्क आएगी, टॉर्क आएगी पी क्रॉस बी। तो पी बी साइन थीटा, थीटा अगर छोटा है, थीटा अगर छोटा है तो पी बी थीटा लिख सकते हैं, अब पी बी थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस वगैरह हम बाद में देखेंगे, माइनस वगैरह हम बाद में देखेंगे। क्यों बेटा, अगर इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की है तो टॉर्क उल्टी डायरेक्शन में आएगी। तो इसको अगर मैंने ऐसे करके घुमा दिया, इसको अगर मैंने एक्सिस के साथ ऐसे करके घुमा दिया है, तो थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। थीटा की सेंस ये है और टॉर्क की सेंस ये है, तो यहां पे एक माइनस आता है, यहां पे एक माइनस आता है। टॉर्क को अगर वेक्टर लें और थीटा को अगर ऐसा लें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा यहां पे टॉर्क कितना आएगा, I12 का। यहां पे टॉर्क कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। ये कितना हो जाएगा, माइनस पी बी इंटू थीटा। ये कितना हो जाएगा, माइनस पी बी इंटू थीटा। आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ शेप अबाउट विच पॉइंट। तो इसके लिए डायग्राम बनाया हुआ है, मोमेंट ऑफ शेप अबाउट दिस पॉइंट, एम एल स्केयर प्लस एम एस स्केयर बाई 12। ध्यान रखना बेटा, मोमेंट ऑफ शेप किसके अबाउट लेना है, इस एक्स के अबाउट। इस एक्स के अबाउट अगर लोगे तो इसको पिचका सकते हो, तो यहां पे देखना बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। तो जब भी मोमेंट ऑफ शेप लेना है एक्स के अलोंग पिचका सकते हो, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ शेप कितना आ जाएगा, तो बेटा यहाँ पे मोमेंट ऑफ शेप कितना आ जाएगा, तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा माइनस पी बी बाय मोमेंट ऑफ शेप इनटू थीटा। तो बेटा एसएम है, ये एसएम है, एंगुलर डिस्प्लेस एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर है और ये वेक्टर है। थीटा इस डायरेक्शन में, अल्फा इस डायरेक्शन में, तो माइनस लगा हुआ है। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर 2π/T होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी बी बाय आई। तो बेटा टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड आएगा, ये एक्सप्रेशन आप या तो याद कर लो या ड्राइव करने में टाइम नहीं लगता। टी आएगा 2π i/P × B, ये मैग्नेट डाइपोलमेंट बुक्स में ऐसा लिखा होता है 2π i/M × B। मेरी हैबिट है डाइपोलमेंट को P लिखने की, बुक्स में हैबिट है M लिखने की, बुक्स में हैबिट है M लिखने की। और यहाँ पे I कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा इस एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन इस एक्स के अबाउट हो रही है, तो उसको ऐसे कर देंगे स्क्वायर प्लेट बन जाएगी। स्क्वायर प्लेट का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m × this length square + m × this length square। तो I आ जाएगा ma² + l² / 12। देखना बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। और अगर ये दो चीजें करते हैं, इसके टाइम पीरियड बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पूछेंगे, इसको मैग्नेट को फील्ड में रख दिया है, स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, टाइम पीरियड निकालना है, स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, टाइम पीरियड निकालना है, ध्यान रखना इस बात को। तो इसमें दो करेंगे, बार मैग्नेट के डायमेंशन दे देंगे, ये बोलेंगे बहुत थिन बार मैग्नेट है। अगर बोल दिया बहुत थिन है तो ए को कितना लेना है, 0। इफ द बार मैग्नेट इज वेरी थिन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू ma² / 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ma² / 12 आएगा। बेटा यहां पे मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इसके सॉल्यूशंस आप फटाफट फॉर्मूलेस बनाते जाइए। मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम। केस वन, अलोंग एक्सिस ऑफ मैग्नेट, ये मैग्नेट है,
ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, ये सेंटर है बेटा। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पी पे एट ए डिस्टेंस एक्स डाइपोल है तो फर ऑफ पॉइंट है, डाइपोल है तो फर ऑफ पॉइंट है। अगर इसकी लेंथ ये एल और ये एल है तो ध्यान रखना एक्स शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, एक्स शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी डाइपोलमेट्रिक डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो बेटा बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई नॉट की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पी 2 एम वेक्टर बाई एक्स क्यूब। तो इसको अगर आर ले लेते हैं, इसको अगर आर ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा बाई आर क्यूब, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही है, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही है। अब ध्यान देना है ये बोल देंगे बार मैग्नेट को तोड़ दिया, तो बेटा जो डाइपोलमेंट आएगा वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में आएगा। अब मेरी बात का ध्यान रखना, बार मैग्नेट को जब भी तोड़ेंगे डाइपोलमेंट किसके प्रोपोर्शन में आएगा, वॉल्यूम के, क्योंकि कितने एटम्स हैं सबके डाइपोलमेंट ऐड कर रहे हैं। अगर 100,000 है किसी में 50 डाल दिया तो उस रेशियो में डाइपोलमेंट आ जाएंगे, उस रेशियो में डाइपोलमेंट आ जाएंगे। तो नेट डाइपोलमेंट किसके रेशियो में होता है, वॉल्यूम की, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे। क्योंकि इन सब चीज़ों पे हमें मैग्नेटाइजेशन समझ में आएगी, नहीं तो हम आगे जब ऐसा नहीं देखते तो हम मैग्नेटाइजेशन वगैरह हिस्ट्रेसिस को कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो बेटा मैग्नेट्स में पिक्चर देखना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं मैग्नेट्स, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी। एक मैग्नेट है, मेरे पास आयरन है, उसमें सब एटम के बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है, आसपास के रीजन में सारे डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में, पर वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करता, बट आयरन मैग्नेट की तरह काम नहीं करता। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आयरन जब भी पीस उड़ाएंगे मैग्नेट की तरह काम नहीं करता, हेमेटाइट और मैग्नेट की तरह काम करती है, हेमेटाइट और मैग्नेट की तरह काम करती है। बट आयरन के एटम्स के अंदर, सॉफ्ट आयरन के एटम्स के अंदर, या हार्ड, हर एटम का बड़ा स्ट्रॉन्ग डाइपोलमेंट होता है मैग्नेटिक, तो आसपास के डाइपोल्स को अलाइन कर लेता है, तो इन रीजन को बोलते हैं डोमेन्स। अब एक डोमेन में डाइपोलमेंट एक डायरेक्शन में होता है, दूसरे में एक डायरेक्शन में होता है, तीसरे में एक डायरेक्शन में होता है, तो नॉर्मली आयरन के अंदर नेट मैग्नेट डाइपोलमेंट जीरो रहता है। बट इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में करेंगे तो सारी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगी, तो सबके डाइपोलमेंट ऐड हो जाएंगे। जब भी हम आयरन को एक मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो कुछ देर के लिए वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेट के पास लेके जाके किसी चीज को उठाओ, आयरन मैग्नेट की तरह काम करता है कुछ देर तक, एक आधे दिन तक काम कर सकता है, फिर बंद हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो हेमेटाइट ओर है उसमें सारे एटम्स एक साथ अलाइंड है, उसमें सारे एटम्स एक साथ अलाइंड है। अब देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, अब उसको हीट किया जाएगा, तो बेटा मैं कल के लिए पूरा बेस तैयार कर रहा हूँ, तो उसको हीट किया जाएगा, सारे एटम्स वाइब्रेट करेंगे, तो सबके डेवलपमेंट डिसलाइन होंगे। तो अगर हीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, सब कैसे हो जाएंगे, डिसलाइन हो जाएंगे। तो जिस भी सिस्टम का मैग्नेट डेवलपमेंट जितना ज़्यादा आएगा वो उतना स्ट्रांग होगा, जितना कम आएगा उतना वीक होगा। तो हीटिंग करने से रैंडमाइजेशन आएगी, तो हीटिंग करने से मैग्नेटाइजेशन लूज होती है, हीटिंग करने से मैग्नेटाइजेशन कम होती है। एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड रखने में मैग्नेटाइजेशन बढ़ती है, तो मैग्नेटाइजेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। तो जब भी बार मैग्नेट दिया हुआ है इसमें सब एटम्स के मैग्नेट डेवलपमेंट एक डायरेक्शन में मानने हैं, कैसे भी पीसेस किए किसी भी रिमेनिंग पोर्शन का डेवलपमेंट, बेटा हम पोल स्ट्रेंथ से नहीं निकालेंगे, वो बहुत गड़बड़ है। तो आप सोचोगे पोल आधा हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तो पोल आधा हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तो पोल आंसर सेम आ जाएंगे, पोल स्ट्रेंथ से नहीं निकालनी, सारे डेवलपमेंट्स ऐड करके नेट डेवलपमेंट आएगा, वहां से सोचना है। तो बेटा लेते हैं केस टू, अब लेते हैं केस टू, केस टू इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ बार, इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ बार मैग्नेट, इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ बार मैग्नेट। तो यहां पे बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, यहां पे बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, ये आएगी इक्वेटोरियल प्लेन, ये आएगी एक्सिस, ये है वाई बेटा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये लेंथ है एल, ये लेंथ है एल, इसका मैग्नेट डाइपोलमेंट कितना है। तो ये कोई भी पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेट फील्ड आएगी, यहाँ पे ये डिस्टेंस आर है, तो नेचुरली आर शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। जब भी डाइपोल बोलते हैं हम बहुत दूर पे फील्ड निकालते हैं, तो यहाँ पे जो भी फील्ड आएगी, यहाँ पे जो भी फील्ड आएगी वो आएगी माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब।
बेटा ये सारे इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले क्वेश्चंस हैं, सारे इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले ही हैं। तो आप मैग्नेटिज्म में याद कर लो या इलेक्ट्रोस्टैट्स में याद कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह μ0/4 पाई। बेटा इसके बाद हमें कल क्या करना है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है। एनसीईआरटी की बुक मंगनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे इस बुक पढ़ के रामायण बोलनी पड़ेगी। बेटा केस 3 देखते हैं, केस 3 देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इन जनरल। तो यहां पे एक्स एक्स लेते हैं और ये वाई एक्स लेते हैं, यहां पे एक डाइपोल लेते हैं बेटा, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ और ये साउथ, इसका डायमेंट है। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे किसी भी पॉइंट पी पे एट ए डिस्टेंस आर, ये एंगल थीटा है। तो मैं क्या करूंगा, डायपोल को दो पार्ट में तोड़ूंगा, एम कॉस थीटा और एम साइन थीटा। एम कॉस थीटा के लिए वो एक्सियल पोजिशन है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा, इसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, इसकी वजह से आएगी ऐसे, इसको बोलते हैं क्रॉस रेडियल कंपोनेंट, ये एंगल आएगा 90। रेडियल कंपोनेंट इस डायपोल की वजह से मैग्नेटिक उतनी आएगी, ये कितनी हो जाएगी μ0/4π 2m cos θ/r³। ये कितना हो जाएगा μ0/4π m sin θ/r³। तो एक्चुअल पोजीशन पे 2π/r³ होता है, इक्विल पोजीशन पे -π/r³ होता है। तो यहां पे p कितना हो जाएगा m cos थीटा, इसका p कितना हो जाएगा m sin थीटा। तो यहां पे ध्यान रखना है r विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन l। तो बेटा बार मैग्नेट्स पे ये कहानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्थ पोल से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगी और साउथ पोल में जाएगी, अंदर क्या है वो हमें पता है, लाइन सर्कुलेट करेंगी। तो किसी भी बार मैग्नेट की जो लाइन्स ऑफ फोर्स है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। बेटा गिलबर्ट करके एक आदमी था जिसने टेरेशियल मैग्नेटिज्म, अब हमारे दो पार्ट्स हैं बार मैग्नेट्स का देख लिया, एक टेरेशियल मैग्नेटिज्म, इसमें सिर्फ दो चीजें देखनी है, तीन चार डेफिनेशन है, ज्यादा नहीं है, वो मैं भी बता देता हूँ, क्वेश्चन कर लूंगा। फिर मेटेरियल की मैग्नेटिज्म और टेरेशियल मैग्नेटिज्म, एक तो मैग्नेट्स की मैग्नेटिज्म देखनी है, एक अर्थ की। तो विलियम गिलबर्ट ने देखा था कोई भी अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करती है, कोई भी अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करती है, तो उसने कुछ गलत काम किए थे कुछ सही किए थे, सही सबसे ये था उसने देखा था अर्थ मैग्नेट की तरह काम करता है। तो क्वीन एलिजाबेथ के वहां पे साइंटिस्ट था, ही फाउंड आउट अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो बेटा अर्थ में एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों होना शुरू हुआ, ऐसा क्यों होना शुरू हुआ। तो ये पूरी कहानी सुना रहा हूं बेटा, शुरू में नेविगेटर्स से जब भी मैग्नेट रखते थे वो एक तरह से अलाइन करता था, तो उनको बार मैग्नेट का एक नॉर्थ बोल दिया, बार मैग्नेट का एक साउथ बोल दिया। तो बेटा जब भी अर्थ है, जब भी ये अर्थ है, तो वो कभी भी एक मैग्नेट रखते थे कंपास का, कंपास का एक मैग्नेट रखते थे, तो बेटा इसको नॉर्थ पोल बोलते थे, साउथ पोल ये पॉइंट पे पॉइंट करता था, तो जिस पॉइंट पे पॉइंट करता था उसको उन्होंने बोलना शुरू कर दिया नॉर्थ पोल और दूसरे को बोलना शुरू कर दिया साउथ पोल। तो ये हमेशा एक नॉर्थ पोल की तरह काम करता था, ध्यान रखना बेटा ये नॉर्थ पोल हमेशा वहां पे क्यों पॉइंट करता है। जब भी आप अर्थ लेते हो तो यहाँ पे थोड़ी ज्योग्राफी की जरूरत है बेटा, ऐसे करके संतरे की तरह काटते हो, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो बेटा जितने भी लॉन्गिट्यूड सर्कल्स हैं, जितने भी लॉन्गिट्यूड सर्कल्स हैं बेटा, एक लाइन पे सारी मिलती है, तो ये सारे सर्कल्स, ये सारे सर्कल्स जैसे भी मिलेंगे, ये जितने भी लॉन्गिट्यूड्स आएंगे बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्रॉस करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्रॉस करेंगे, तो ये जो सर्कल्स है इनमें एक लाइन एक डायमीटर कॉमन आती है। तो ऑल द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, दे ऑल इंटरसेक्टेड कॉमन लाइन, अज्यूमिंग अस टू बी स्फीयर। लैटिट्यूड्स ऐसे होंगे
लैटिट्यूड के सारे सर्कल्स प्लेन है, लैटिट्यूड के सारे सर्कल्स प्लेन है। ध्यान रखना ये जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स होती है ये वर्टिकल प्लेन में आती है, जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स होती है ये वर्टिकल प्लेन्स होती है, कहीं पर भी खड़े हो जाओ ये सारी वर्टिकल प्लेन्स होती है एंड दे आर सपोज टू पास थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। अब तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इस सर्कल पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो बेटा नॉर्थ अगर ऐसे पॉइंट कर रहा है, साउथ ऐसे पॉइंट कर रहा है, तो मैं एक वर्टिकल प्लेन में हूँ, तो आपको लगेगा साउथ इधर पॉइंट कर रहा है, नहीं इधर कर रहा है, नॉर्थ उधर कर रहा है, क्योंकि एक वर्टिकल प्लेन है, क्योंकि एक वर्टिकल प्लेन है। तो सेप की तरह काटोगे तो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करेगा, बाबा थोड़ा बेटा जाओ बेटा यहाँ से थोड़ा जाओ, तो नॉर्थ की तरह ही पॉइंट करेगा। तो अर्थ के बारे में बेटा हमें पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, 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 कोई भी मैग्नेट इस तरह से है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस पे फोर्स ऐसे पड़ेगी, इस पे ऐसे पड़ेगी, ये किसके लॉन्ग अलाइन करेगा, तो डाइपोलमेंट हमेशा किसके लॉन्ग अलाइन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के। डाइपोलमेंट हमेशा किसके लॉन्ग अलाइन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे कुछ बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर देता हूँ। ये जब भी अर्थ है तो बेटा जो सबसे बढ़िया लॉन्गिट्यूड है, ये इक्वेटर में लेता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो बेटा ये ऐसे पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, ये भी एक लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे एक बार मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ये इधर पॉइंट कर रहा है, इधर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस तरह से होगी, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह से होगी। तो बेटा अगर एक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर इस तरह से पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे है, इसका मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे है, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रख रहा हूँ, ये उसे ही पॉइंट कर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे है। तो ध्यान रखिएगा अर्थ में जब भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है, ये विलियम गिलबर्ट ने डिस्कवर किया था, ये विलियम गिलबर्ट ने डिस्कवर किया था, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो एक बार मैग्नेट की तरह होती है, अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड आती है वो एक बार मैग्नेट की तरह होती है, अर्थ की जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है एक बार मैग्नेट की तरह होती है, अर्थ की जो भी मैग्नेटिक फील्ड है एक बार मैग्नेट की तरह होती है। तो बेटा मैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रख रहा हूँ, एक साउथ पोल रख रहा हूँ, तो अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अब कैसा मैग्नेट काम करता है, तो बेटा अर्थ को हम एक मैग्नेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो यहाँ से लाइन्स कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, यहाँ से लाइन्स कैसे निकलेगी बेटा, यहाँ से लाइन्स कैसे निकलेगी, इस तरह से निकलेगी, यहाँ से लाइंस इस तरह से निकलेंगी। तो ध्यान रखना यहाँ से लाइंस इस तरह से निकलेंगी, ये है अर्थ का नॉर्थ पोल और ये है अर्थ का साउथ पोल, कौन सा, मैग्नेटिक, दिस इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दिस इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, दिस कॉल्ड जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, दिस इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड दिस इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। अब देखते हैं अगर यहाँ पे मैंने कंपास रखी है, यहाँ पे मैंने कंपास रखी है, तो कंपास इस तरह से पॉइंट करेगा, कंपास इस तरह से पॉइंट करेगा, तो ये जो पॉइंट कर रहा है नॉर्थ, ये एक्चुअली जियोमैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो बेटा नीडल जिस तरह पॉइंट करती है, दैट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, हम बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं, वो बेटा वो होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ, वो होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, इसके बाद आज आप कोई भी बुक उठा के पढ़िएगा, हम यहां पे लिखना शुरू करते हैं टेरेशियल मैग्नेटिज्म, टेरेशियल और अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ बियर्स एज ए बार मैग्नेट। तो इसका मतलब अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो एक डायग्राम तो हम ये बनाते हैं, एक डायग्राम तो हम ये बनाते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ, बेटा इसे लिखेंगे जियोमैग्नेटिक, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो इसको लिखेंगे जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल और इसको लिखेंगे जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। तो यहां से जो भी लाइंस आएंगी, तो इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस देखते हैं, इसकी हम लाइंस ऑफ फोर्सेस देखते हैं, तो यहां पे जो बार मैग्नेट बना दिया है, यहां पे जो बार मैग्नेट बना दिया है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो बेटा यहां से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आएंगी, यहां से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आएंगी,
यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे आएंगी, यहाँ से इस तरह से आएंगी, यहाँ पे इस तरह से आएंगी। तो ये है अर्थ, ये है अर्थ। तो बेटा लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसे जाएंगी, लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसे जाएंगी, इस तरह से जाएंगी। तो अब इस बात को ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे मैं, ये अर्थ है, ये बेटा ये अर्थ है, ये लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये है लाइन्स ऑफ फोर्स, इस तरह से जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट नीडल को रखता हूँ, तो मैग्नेट नीडल जो पॉइंट करेगी नॉर्थ, वो किस तरह पॉइंट करेगा, साउथ। तो मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं करती, वो हमेशा पॉइंट करती है जियोमैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स जियोमैग्नेटिक साउथ। तो जब भी मैग्नेटिक नीडल रखेंगे, जब भी आप मैग्नेटिक नीडल रखेंगे, देयर विल बी ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स जियोमैग्नेटिक साउथ। इस बात को ध्यान रखना, वो जिस तरह पॉइंट करती है उसको हम ज्योग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं, उसको हम ज्योग्राफिक नॉर्थ या नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो जब भी नॉर्थ पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल इंप्लाइज ज्योग्राफिक नॉर्थ, साउथ पोल इंप्लाइज ज्योग्राफिक साउथ। तो ध्यान रखना, तो इन नॉर्मल यूजेज, तो यहाँ पे इतना लिख लेना, इन नॉर्मल यूजेज, इन नॉर्मल यूजेज नॉर्थ पोल इंप्लाइज ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। तो बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, कभी इसको नॉर्थ पोल लिख देते हैं, कभी इसको साउथ पोल लिख देते हैं। तो बेटा वो सब बुक्स में सब कुछ सही होता है, आपको देखना होता है आप कौन से नॉर्थ पोल की बात कर रहे हो। जब भी कुछ बोला नहीं गया वो ज्योग्राफिक है, जियोमैग्नेटिक के लिए बोलना पड़ेगा। जब भी हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, दैट्स बेसिकली ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। तो इन नॉर्मल यूजेज नॉर्थ पोल इंप्लाइज ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। बेटा आज एक काम कीजिएगा, ये जो सी मैग्नेटिज्म की डिप विधि हुई है, इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म और बाकी थ्योरी को एक बार पढ़िएगा, इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म और बाकी थ्योरी को एक बार पढ़िएगा। बेटा अगर ऐप पे नहीं डाल पाए तो यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं। बेटा वो एडिटिंग होते होते शाम हो जाएगी मुझे, क्योंकि वो काफी टाइम लगता है, 3-4 GB की फाइल बनती है। तो बेटा टेक्स लॉट ऑफ टाइम एडिटिंग करना ना डालना। बेटा वो 1.5 घंटे की क्लास लेना इजी है, वीडियो डालना बहुत मुश्किल काम है। तो बेटा एक काम कीजिएगा, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में आज पढ़िएगा, इसमें 3-4 चीजें देखनी है आपको, ये डेफिनेशंस पढ़नी है जो मैं लिख देता हूँ। बेटा अगर ये डेफिनेशन कर लोगे, मेरे लिए समझाना कुछ इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3D फिगर्स है तो जो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। तो बेटा यहाँ पे कुछ 3D चीजें हैं, तो आपको ये पढ़ना है। बेटा इन चीजों की डेफिनेशन आज पढ़ लीजिएगा, मेरिडियन, ज्योग्राफिक एंड मैग्नेट। बेटा मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, सेकेंड इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, थर्ड इज एंगल ऑफ डिप। बेटे 3 डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, इस पर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में हर बार आता है, इस पर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जामिनेशन में हर बार आता है। तो मैं बेटा मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेट मेरिडियन की मैं एक डेफिनेशन बता देता हूँ, मैं एक डेफिनेशन बता देता हूँ। बेटा जितने भी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स है, ऑल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स, अर्थ पे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल सर्कल्स सारे ज्योग्राफिक मेरिडियन हैं। तो ये बुक डेफिनेशन में दी होगी या नहीं दी होगी मुझे नहीं पता है। अर्थ में जितने भी लॉन्गिट्यूड सर्कल्स आते हैं, बेटा एक पूरी सर्कुलर प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन होती है। एक जो भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, बेटा वो टेढ़ी है, उसकी प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, उसकी प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो संतरे में जो लाइंस होती हैं बेटा, वो प्लेन्स होती है मेरिडियन। तो मेरिडियन के बारे में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बार हल्का सा बोला था, अर्थ के सरफेस पे जो भी लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ होती है बेटा, वो लॉन्गिट्यूडल सर्कल्स होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडल सर्कल्स होते हैं। वो लॉन्गिट्यूडल सर्कल जो भी एक प्लेन है, दैट्स कॉल्ड ए ज्योग्राफिक मेरिडियन। बार मैग्नेट पे ये जो सी लाइन ऑफ फोर्स यहां से करके ऐसे निकलेगी बेटा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक इसकी पूरी प्लेन लेंगे, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बुक में जो भी डेफिनेशन दी होगी उसको पढ़िएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगी, ये कोई भी एक लाइन ऑफ फोर्स है बेटा, कर्व है, इस पूरी प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन।
ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होती है बेटा, पूरी लॉन्गिट्यूडल प्लेन। तो इसको एक बार डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, क्योंकि इसकी डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, वो मुझे एक बार सब डिस्कस करनी पड़ेगी बेटा, वो राम कहानी है। डेफिनेशंस पे ही क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस कर लेंगे कल। तो 10-15 मिनट में खत्म करके हम फेरो मेटा, फेरो पैरा और बेटा वाले क्वेश्चंस कल फिनिश कर लेंगे। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे।